हेलो जी, मैंने सोचा काफी टाइम हो गया है एंड यू नो बकचोदी नहीं ब्रा की है, तो ब्रा बकचोदी क्या मतलब, मैं रोज ही करता हूँ सालों। एक दिन से वीडियो पोस्ट करना बंद कर दूंगा ना, तब मेरी याद आएगी, बोलेंगे हीरा बंदा था हीरा, मैनू माफ करी माँ मेरी। एनीवेज, सैटरडे तो आज नहीं है, बट हम पॉइंट न्यूज का सेगमेंट कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये हो रहा है कि ये जो खबरें होती है ना एंटरटेनमेंट मीडिया की, न्यूज व्यूज वाली, वो भी कवर हो जाती हैं एंड मजा भी आ जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा की, चलो उनकी तो बातें बहुत कर ली हैं, लेकिन मर्जर की बात की जाए रिलायंस और डिज्नी की, तो भाई अभी तक मर्जर कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो कायदे से वो जो वेबसाइट बन गई वो बननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब तक मर्जर कंप्लीट ही नहीं हुआ है, फाइनल डील हुई ही नहीं है, तब तक कोई वेबसाइट कैसे बना सकता है। तो जो वो वेबसाइट बनी है मोस्ट प्रोबेबली बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है या फिर होर्डिंग हुई है, होर्डिंग के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। एनीवेज, अब जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आए, तो भैया बॉक्स ऑफिस पे जोकर 2 जोकर 2 रिपोर्टेडली वॉर्नर ब्रदर्स को कुछ 150 से 200 मिलियन डॉलर्स का नुकसान करा के जाएगी। 200 मिलियन डॉलर्स का मूवी का बजट ये 170 मिलियन डॉलर्स तक कमा लिए हैं, ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंचेगी, मतलब कोई लॉस ना हो उसके लिए भी कुछ 400 से 500 मिलियन डॉलर्स चाहिए थे। दूसरी तरफ एडम ड्राइवर भैया की मेगापोलिस पे भी काफी मीम बने हैं, क्योंकि ये मूवी भी एक बिग बजट थी जो कि खत्म हो गई। 120 मिलियन डॉलर्स पे बनी इस फिल्म ने सिर्फ 10 मिलियन डॉलर्स का ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। भाई बाय बाय। अब अपनी वेनम 3 की बात की जाए तो इसकी बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन कुछ खास नहीं है, मतलब जितने भी 3 पार्ट है वेनम के, 1, 2, 3 इसके लोएस्ट रहने वाली है। लेकिन एमिनम भैया को इसका गाना फेंक के मारने दो, मूवी को अच्छा परफॉर्म करने दो, मूवी काफी बढ़िया परफॉर्म करेगी। एंड आपने कभी रेडी और नॉट मूवी देखी है? समारा वीविंग की ये मूवी एकदम परफेक्शन है भाई, पीक सिनेमा फिल्म है। 2017 में आई थी या 18 में, लेकिन अब फाइनली जाके इसका पार्ट 2 बनने वाला है। एंड इसका पार्ट 2 का नाम ये नहीं होगा रेडी और नॉट पार्ट 2, बट उसका नाम होगा हियर वी कम। एंड इसी के साथ भैया द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स, वेल बुरी खबर ये है कि इसको भी माइकल जेम्स भैया डायरेक्ट करने वाले हैं, अपने जेम्स वन भैया डायरेक्ट नहीं करेंगे। एंड इसकी शूटिंग चालू हो चुकी है, जेम्स वन भैया ने खुद ये गुड न्यूज़ शेयर की है, जेम्स वन भैया हाथ जोड़े थे लेकिन आपने माने नहीं। चलो कोई नहीं, हम भी फद्दू यहाँ देख लेंगे। अब चलो हिंदी डब्स पे वापस आते हैं, ठीक है, मतलब खत्म करते हैं सही ये सेगमेंट आराम से। अब सभी को पता होगा वेनम द लास्ट डांस की हिंदी डबिंग चेंज हुई थी, मतलब जो ओरिजिनल वॉइस एक्टर्स हैं जिन्होंने पूरी जान डाली थी, एक मजेदार टेक्सचर लव घोला था इस फ्रेंचाइजी में, वो पार्ट 3 के लिए रिटर्न नहीं करते। समय ठक्कर वेनम को डब करते थे जो नहीं करते, चैतन्य अदिब एडी ब्रॉक को डब करते जो कि अब नहीं कर रहे। एंड इसका रीजन था बजट, इनके पास बजट ही नहीं था ससुरो के पास। लेकिन फाइनली इन्होंने फैंस की सोची, ये समय ठक्कर को एज वेनम की वॉइस वापस ले आए हैं, लेकिन अभी भी चैतन्य अदिब का कहीं कहीं पता भी नहीं है। एडी ब्रॉक को चैतन्य अदिब सर के अलावा और कोई बेटर प्ले नहीं कर सकता, तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा सोनी के इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, इंडिया वाले पे जाना ससुरो, अमेरिका वाले पे नहीं, आप रिक्वेस्ट करते हो तो ये लोग सुनते हैं। अभी भी रिलीज में कुछ टाइम पड़ा है, काश चैतन्य अदीप सर ही डब करे टॉम हार्डी को। बाकी अब हिंदी डब से बढ़े तो द क्वाओ बॉय बेबॉप मूवी अब फ्री में स्ट्रीम कर रही है यूट्यूब पर, सोनी पिक्चर्स के YouTube चैनल पर। एंड ये एक एनिमे फिल्म है, जेना ओर्टेगा की मिलर्स गर्ल, अब हिंदी तमिल तेलुगु मराठी में स्ट्रीम कर रही है Amazon Prime Video पर रेंट करनी पड़ेगी। बॉर्डरलैंड्स इस साल की एंटिसिपेटेड मूवी जो कि फ्लॉप हो गई लेकिन अच्छी फिल्म है, अब हिंदी तमिल तेलुगु मराठी में रिलीज हो चुकी है Amazon Prime पर, लेकिन इसे भी रेंट करना पड़ेगा दोस्तों। बाकी Skeleton Twins अब Amazon Prime Video पर हिंदी में अवेलेबल है, रेंट करना पड़ेगा। एंड फ्री में प्रिटी अगली और Because I Love You, ये एक कोरियन ड्रामास है, एक सीरीज है, एक मूवी है, प्राइम वीडियो पर हिंदी में फ्री में स्ट्रीम कर रही है Amazon MX Player पर, तो इसको भी जरूर चेकआउट करें। जोकर 2 बहुत ही ज्यादा गंदा वाला फ्लॉप होने के बाद 29 अक्टूबर को डिजिटली रिलीज हो जाएगी, तो भाई थिएटर्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे देखना। बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो करना ना भूलने, अगर आप में भी चूल है बख्शी करने की तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आ जाओ, साथ में मिलकर करेंगे। चलो चंगा फिर मिलते हैं।